दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली की सीमाओं पर कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे कथित किसानों को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे लोग किसान नहीं हैं, बल्कि किसान के भेष में विपक्षी दलों के गुर्गे हैं। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद को किसान नेता बताने वाले आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने किया है। दरअसल योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर कृषि कानूनों के विरोध में धरना देने वाले मेजर खान के निधन पर शोक जताया है। मेजर खान आंदोलन की शुरुआत से ही दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि सिर पर पगड़ी पहनने वाले मेजर खान कोई सरदार नहीं बल्कि मुसलमान थे, और सबसे बड़ी बात उनके पास जमीन भी नहीं थी, यानी वो किसान भी नहीं थे। योगेंद्र यादव के इस ट्वीट से स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की सीमाओं पर जो लोग कृषि कानून के विरोध में जाम लगाकर बैठे हैं वे किसान ही नहीं हैं। आपको बता दें कि पहले भी इसके सबूत सामने आ चुके हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर जो धरना दे रहे हैं वो बिचौलिए और आड़ती हैं, क्योंकि जो असली किसान होगा वो महीनों तक अपने खेत छोड़कर कहीं आंदोलन कर ही नहीं सकता। यानी दिल्ली की सीमाओं पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं हैं, और तो और जो पगड़ी पहने सरदार दिखाई दे रहे हैं वो सिख नहीं हैं बल्कि मुसलमान हैं। इस सच्चाई की पुष्टि अब इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले योगेंद्र यादव ने भी कर दी है। अब आप समझ सकते हैं कि कृषि कानून के विरोध को लेकर कितनी गहरी साजिश रची गई है। इसलिए वक्त आ गया है कोरोना संकट में भी दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे इन बहरूपियों को खदेड़ने का और इनका असली चेहरा देशवासियों के सामने लाने का।